हम आज अपनी पूरी ज़िंदगी खुद के कंफर्ट, खुद की खुशियों के लिए जीते, अपने परिवार के सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को खुशियाँ देना भी अपना कर्तव्य मान के चलते। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है गणेश चाचेरकर। इस व्यक्ति की समाज सेवा की कहानियाँ गोरेवाड़ा और गिट्टी खदान परिसर के कुछ लोग की जुबान पर रहती है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नागपुर के गोरेवाड़ा इलाके में गणेश चाचेरकर नाम के एक समाज सेवक रहते हैं जो नागरिकों के लिए अनेक कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी इस शुरुआत के बारे में बात करते हुए बताया कि वे बचपन में पारिवारिक समस्याओं की वजह से पढ़ नहीं पाए। एक दिन गणेश अपने मित्रों के साथ बैठे थे, तब उन्होंने बस्ती के कुछ बच्चों को घूमते देखा। उन्हें लगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम हमारा भविष्य नहीं बना पाए, पर इन बच्चों का बनाने के उपलक्ष्य से उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ ही डांस और एक्टिविटीज़ में भी सहभागी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए इस परिसर में जिम की भी व्यवस्था की है। उन्होंने कोरोना काल में भी गरीबों की मदद करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की सेवा दी। नमस्कार दोस्तों, पैसा ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो हर कोई कहेगा कि ना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसके बदौलत ही आज की दुनिया में सब कुछ हो सकता है। अब ये चीज़ें आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आज अगर आप निकले और पैसों के बदौलत जेब में पैसे न होते हुए कोई चीज़ किसी से मांगे तो वो इंसान देगा नहीं। रीज़न सिर्फ एक, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मगर नागपुर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों की और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और करते हैं। अब ये मदद किस तरह की होती है? जाहिर सी बात है, युवाओं को उनका शरीर अच्छा बनाना है। जाहिर सी बात है, घर में अगर कोई परेशानी हो तो थोड़ी सी आर्थिक मदद हो जाए। जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें बनाई है जिसके तहत बच्चे बाहर पढ़ भी रहे हैं, मगर हर बच्चे को आज ट्यूशन ज़रूरी है और गरीब लोग वो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें कौन करता है? तो ये चीज़ें नागपुर में गोरेवाड़ा परिसर में हो रही है और ये कर रहे हैं गणेश भाऊ चाचेरकर। अब गणेश जी से हम जानेंगे कि ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई। मैं आज उनके घर आया हूँ और निश्चित तौर पर आपको भी उनसे मिलवाऊंगा और बताओ, उनसे पूछेंगे हम कि किस तरह से ये पूरी कहानी उन्होंने लिखी और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो गणेश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, जय भीम। गणेश भाई, मुझे बताइए कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आम लोगों की बात तो नहीं है। सोशल वर्क करना, आज खुद की जेब को संभाल कर करना पड़ता है, आप ये कर रहे हैं, ये दिमाग में सबसे पहले आया कब? मेरे कुछ मित्र लोग हैं, हम बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। जैसे मैं बचपन में पढ़ा नहीं हूँ, कुछ फैमिली की वजह से पढ़ा नहीं, तो बस्ती में कुछ बच्चे ऐसे घूम रहे थे। अब हमने सब बच्चों ने सोच, दोस्तों ने सोचे कि इन बच्चों का भविष्य आगे चल के ख़राब हो सकता है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सब दोस्तों ने ऐसी बैठ के मीटिंग ली और सोचे कि कुछ ट्यूशन क्लासेस चाहिए, स्कूल तो कर नहीं सकते अपन, करके ट्यूशन क्लासेस चालू कराए। अब ट्यूशन क्लासेस चालू कराए तो बस्ती में जो बच्चे हैं जो घूमते थे, इधर उधर जाते थे, कंचे खेलते थे, तो उनका ध्यान उसमें रहता था और उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होने से इन्हें ट्यूशन नहीं लगाना, स्कूल भेज नहीं सकना, उस वजह से उनकी मैंटेलिटी थी नहीं। तो जब से हमने ट्यूशन क्लास चालू की है तब से इन्हें बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना, हम डांस का भी कराते हैं, डांस भी कराते हैं, बोलने की भी प्रैक्टिस कराते हैं, इन्हें हर महीने में एक आधा प्रोग्राम लेके उनको स्पीच देते हैं कुछ बोलने के लिए। बस वही देख के बच्चों को भविष्य, और आप खुद का भविष्य नहीं बना पाए तो किसी बच्चों का भविष्य बनाने की सोची हमने। ये सोच आपकी बहुत बढ़िया है। मैंने आते हुए देखा, मैं जब यहाँ पर आ रहा था आपके घर की तरफ, तो यहाँ पर जो एरिया है वो पूरा स्लम एरिया है, तो इन लोगों की ज़रूरतें क्या होती थी? आपकी तरफ से इनको क्या क्या मदद मिलती है उसके बारे में ज़रा विस्तारपूर्वक बताइए। इनकी ज़रूरतें कुछ नहीं, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतें, गरीब लोग हैं, बंगलों पे काम करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी ज़रूरत क्या रहेंगी, 200 रुपये 500 रुपये, कोई बच्चों को चॉकलेट लेके दे दी उतनी। लेकिन इसके आगे ये सब चीज़ें ना करते हुए अगर इनको पढ़ाने का सोचे या इनका भविष्य सुधारने का सोचे वो अच्छा है। कैसा है, 200 देने के बाद उनका भविष्य नहीं सुधरने वाला। लेकिन उस चीज़ से अपन ने कुछ थोड़ी मदद करके पढ़ाने का सोचे, जैसे एक्टिविटी कराने का सोचे, तो कोई तो बच्चे वहाँ से निकल बस्ती से निकल के कहीं जाएंगे और उनका भविष्य सुखी होगा, उनके माँ बाप सुखी होंगे। यानी ये सब वो देख के सोचे अपन ने, वो सोच करे। दूसरी चीज़ मैंने आपकी देखी कि आपने एक बहुत ही आला दर्जे का एक जिम ओपन किया हुआ है, एसी जिम है, स्लम एरिया में इतना बड़ा जिम, और वो भी बच्चों के लिए एक नाममात्र अमाउंट पे आप अवेलेबल करा दे रहे, उसकी कहानी कैसे शुरू हुई? मुझे बच्चे ने जब यंग हुआ, मैं बड़ा हुआ, तो मुझे जिम मारने का शौक था। मैं यहाँ से कम बर्डे लाउट आनंद नगर यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो पैदल जाते थे हम लोग, तब साइकिल नहीं गाड़ी नहीं, तो शौक तब से था जिम मारने का। फिर जब थोड़ा सक्षम हुआ, ऐसे लगा कि मैंने खुद के जिम बनाना चाहिए, तो मैंने खुद का जिम बना रहा था। तो जैसे हम हमेशा बैठ, यानी जो भी फैसला लेते हैं हम लोग 8-10 दोस्त हैं, मिल के बैठ के लेते हैं, कुछ भी करने का रहा तो बोले भाऊ, बोले तू अब बना रहा है जिम खुद के लिए, तो बोले ऐसी जिम बना बोले जिससे दूसरों का भी भला हो। अब मैं छोटी बना रहा था एक रूम के अंदर खुद के लिए, तो कुछ ढूंढे हमने मशीनरी, दिल्ली गए, दिल्ली में बात की है, दिल्ली में मशीन महंगी हो रही थी। तो एक दोस्त था हमारा जो जिम चलाता था, उसकी जिम बंद हो चुकी थी, तो उसको फ़ोन किए, उसका फ़ोन आया हमको, बोले तू सामान ढूंढ रहा, बोले मला हो, तो बोले मेरे पास से सामान लेके जा, बोले पैसे आएंगे तब देना, नहीं तो मत देना करके। तो उनने सामान दिया, तब जाके ये सब कुछ हुआ। यानी दोस्तों का साथ भी इसमें आपको पूरा मिला। सर एक आपसे चीज़ जानने मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी कि आपका एरिया था पड़ता है स्लम में, कोविड के जो 2 साल गुजरे और जब लॉकडाउन लगा तब स्थिति ऐसी थी कि अच्छे अच्छों की कमर टूट गई, तो ये तो स्लम था, तो यहाँ पर भी लोगों को परेशानी आई होगी, तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्टियों के किट्स, खाना, ऐसा कुछ आया था कि किस तरह से हुआ था ये सब कुछ चीज़ें हुई थी ना। लेकिन कैसा है, हमारी बस्ती सब एक है, बस्ती में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि बाहर अब सब ने काम धंधे पे आना सबको मनाही कर दिए थे, बंगले पे जाना मना, काम पे जाना मना, तो यहाँ के लोग बाहर जा ही नहीं पाए, तो उतना टेंशन नहीं हुआ। लेकिन जब सेकेंड वाला कोरोना आया, पहला कोरोना तो सबने ऐसी निकाल लिए जिसमें डेट कम हुई, लेकिन सब जब सेकेंड वाला कोरोना आया तो सब तहस नहस हो गया था, पूरा बस्ती पेशेंट आना, लेके जाना, ये करना वो करना, दवाखाना नहीं मिलना, एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, ऑक्सीजन भी बांट रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रखना है गरीब लोगों को ये मालूम नहीं, नर्स अवेलेबल करा सकते नहीं, उस चक्कर में बहुत सारी डेटें हुई हमारी इधर। तो ज़्यादा सेकेंड में तो किसी ने अनाज वनाज तो कुछ बांटे ही नहीं सेकेंड में, लेकिन फर्स्ट में बांटे, सेकेंड में तो किसी ने एक्टिविटी, क्योंकि कोरोना इतना बड़ा था कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और पहले कोरोना में तो ठीक ठाक चला बोलना, उससे सबको टेंशन नहीं हुआ क्योंकि सब थे मैच्योर्ड थे, लेकिन दूसरे कोरोना में तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और जाहिर सी बात है कि आप तक भी लोग हेल्प मांगने आते होंगे। हाँ आते थे ना, हेल्प मांगने आते थे। अब हम लोग एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। अब कैसा है, भर्ती तो हो ही नहीं रहते, सब एम्बुलेंस घर आओ और ऑक्सीजन ले कर घर में जाके लगा दो, बस उतना ही, बाकी कुछ तो कर ही नहीं पा रहे थे। बोला मदद तो बहुत सारे लोगों ने मांगी, अब सिचुएशन ऐसी थी कि जिनको मिली, जिनको मदद मिली उनको मिली, जिनको नहीं मिली उनको नहीं मिली। निश्चित तौर पर एक चीज़ तो यहाँ पर देखने को, इंसानियत क्या होती है ये भी उसी दौर में हमने सभी ने जाना, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब वो पूरा टाइमिंग याद आता है तो कहीं ना कहीं मन कचोट जाता है कि कोविड में ऐसा भी हो सकता था जो हमने सब ने देखा। मुझे एक बात बताइए कि आपने यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी खड़ी देखी हमने, जो कि और कई लोगों को पूछा भी कि उस एम्बुलेंस के बारे में, तो उसकी कहानी क्या है, एम्बुलेंस के अभी क्या क्या काम करती है, लोगों के लिए, आपके एरिया के लोगों के लिए करती है, बाहर के लोगों के लिए करती है, उसका कैसा क्या है? हम लोग जाते हैं हमेशा बाहर घूमने, जैसा कलमेश्वर में खेत है हमारा, तो वहाँ जाते जाते एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किए, कम से कम 2 घंटे लग गए एम्बुलेंस आने को, 2 घंटे में उस आदमी की डेथ हो गई थी। अगर सोचा जाए तो उस टाइम पे सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होना था या रोड पे कोई एम्बुलेंस नंबर होना था, कुछ भी नहीं। अब बोले तो कलमेश्वर से नागपुर बोले तो 10 किलोमीटर का सफ़र है और 10 किलोमीटर में पूरा जंगल पड़ता। अब किस कोई कैसा है, एक्सीडेंट हुआ तो कोई अपने गाड़ी में भी डाल के नहीं ले जाता। अब हमारे पास उस टाइम कार नहीं थी, हम बाइक से थे, अगर कार होती तो हम कार में ले जाते थे। तो इस चक्कर में फिर हमने
जो सिचुएशन देखे उस सिचुएशन में फिर हमने कलेक्शन किए, कुछ लोगों से चंदा लिए, तो वैसे एम्बुलेंस लिए, फिर वहाँ से चालू हुई एम्बुलेंस का काम हमारा। निश्चित तौर पर दोस्तों, दिल में इच्छा हो और करने का कुछ जज्बा हो तो जेब हल्की हो या भारी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान के मन में वो ताकत होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। एक जिम, ये यहाँ का एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा माइलस्टोन है कि एक स्लम एरिया में एक वेल फर्निश्ड और ऐसी जिम जो आप करीबन अच्छे सोसाइटीज़ में जिसका मंथली खर्चा ही 4,500 हो, ऐसी जिम यहाँ पर नाममात्र अमाउंट पे यहाँ के बच्चों के लिए अवेलेबल की जा सकती है। यानी जो बच्चे पांठेले पे दिखने की बजाय वो यहाँ पर जिम में अपना पसीना बहाते हैं और शरीर कमाते हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी बात है। गणेश भाई, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारा काम आप कर रहे हैं। आप ये काम ऐसे ही जारी रखें, ऐसे हमारी सब ठीक है, लेकिन कैसा है मेरी एक बात है, वो सबने ध्यान रखना चाहिए, मरने के बाद खंदा देने से अच्छा जीते जी मदद का हाथ दो। इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल यही रहेगी। मरने के बाद तो सब बोलते हैं लोग, वो अच्छा था, ये था, मैं ये कर सकता था, बोलना था, लेकिन मरने के बाद बोलने से अच्छा है जीते जी करो। तो इस चीज़ से ज़िंदगी का एक और फ़लसफ़ा पता चलता है कि अगर जीना है तो करना है किसी के लिए, तो जीते हुए कर लीजिए, मरने के बाद तो सभी करेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों, सीख तो बहुत अच्छी मिली और काम भी बहुत अच्छा शुरू है, ऐसा ही काम आगे भी चलता रहे यही हमारी अपेक्षा भी होगी। कैमरामैन रोशन के साथ नीलेश फरकाड़े, वीकेबी न्यूज़ के लिए। मरने के बाद कंधा देने से अच्छा है कि जीते जी मदद का हाथ दो। गणेश चाचेरकर ने गरीब लोगों की सेवा कर नागरिकों के लिए एक आदर्श खड़ा किया है। कार्य वो हो जो लोगों को सुकून दे, खुद के सुकून के लिए तो जमाना जीता है। वीकेबी न्यूज़ के लिए नीलेश फरकाड़े की स्पेशल रिपोर्ट।